सूर्य से 40 प्रकाश वर्ष दूर ब्रह्मांड में एक ऐसा ग्रह G1424b जिसमें सिर्फ पानी है। इसे वाटर वॉल भी कहा जाता है। अगर ये ग्रह हमारे सूरज से टकरा जाए तो क्या होगा, जानने के लिए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना, नहीं तो आप मेरे बात समझ नहीं पाओगे। इस ग्रह के सेंटर का सॉलिड पार्ट पूरा आइस है, जिसे आइस सेवन के नाम से भी जाना जाता है, और बाकी प्लैनेट पूरा पानी में लगभग डूबा हुआ है। तो सोचिए, अगर ये प्लैनेट हमारे सूरज से टकरा जाए तो क्या होगा। सूरज आग और ये प्लैनेट पानी। अगर आप आग में पानी डालते हो तो आग बुझ जाते हैं, ये बात एक बच्चा भी जानते हैं। लेकिन अगर आप सूरज में पानी डालो तो सूरज बुझेगा नहीं, बल्कि सूरज और ज्यादा जलेगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे आप आग में घी डालते हो। लेकिन कैसे, इसके लिए हमें ये जानना होगा कि सूरज के अंदर कौन सी क्रिया होती है जिससे वो लगातार जलता रहता है। वास्तव में सूरज की ग्रेविटी काफी ज्यादा है और सूरज के अंदर हाइड्रोजन और हीलियम ये सब गैस ज्यादा है। असल में सूरज की इतनी ज्यादा ग्रेविटी के कारण हाइड्रोजन गैस की पार्टिकल्स आपस में डिफ्यूज हो जाते हैं, यानी हाइड्रोजन की कण एक दूसरे के अंदर मिल जाते हैं और कुछ एनर्जी रिलीज करते हैं, और इस तरह हीलियम के पार्टिकल्स वापस में डिफ्यूज होते हैं और एनर्जी को रिलीज करते हैं। इस तरह सूरज में लगातार ये रिएक्शन चलती रहती है और एनर्जी रिलीज होती रहती है और सूरज लगातार जलता रहता है और सूरज का प्रकाश हम तक पहुंचता रहता है। इस तरह एक दिन में जितनी भी एनर्जी हमारी पृथ्वी तक पहुंचती है, अगर इसे स्टोर कर ले तो 170 ट्रिलियन किलोवाट एनर्जी की बराबर होगी, जिसे हम सब इंसान मिलकर भी 1000 सालों तक यूज कर सकते हैं। अब अगर ये पानी से भरा प्लेनेट सूरज से टकरा जाए तो सूरज की गर्मी से ये सारा पानी वेपराइज हो जाएगा और फिर इस पानी की पार्टिकल्स हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। सूरज की ग्रेविटी इस पानी के पार्टिकल्स को एट्रैक्ट करके उनको आपस में डिफ्यूज कर देगी, जिसे काफी एनर्जी रिलीज होगी, जिसके कारण सूरज और चमकेगा और ज्यादा जलेगा और ज्यादा गर्म हो जाएगा। तो दोस्तों, वाटर प्लेनेट का सूरज से टकराना मतलब सूरज को जलने के लिए बहुत सारे फ्यूल देना जैसा होगा। और आप इस बारे में क्या सोचते हो, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट कीजिए। यदि आप हमारा चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हर हफ्ते हम इसी प्रकार की रहस्यमय और रोमांचक वीडियो अपलोड करते हैं। नमस्कार।